स्वागत है। रेतीले धोरों की धरा राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। गर्मी के मौसम में एयरलाइंस की फ्लाइट्स में यात्री भार में काफी गिरावट देखी जा रही है। मजबूरन एयरलाइंस फ्लाइट रद्द कर रही हैं। हालात यह है कि इस महीने 18 दिनों में 78 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का संचालन बुरी तरह से गड़बड़ा गया है। एयरपोर्ट से अलग अलग शहरों के लिए जाने वाली कुल 13 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन से जुड़े सूत्रों के अनुसार मई महीने के 18 दिनों में अब तक कुल 78 फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं। आपको बता दें, जयपुर एयरपोर्ट के शेड्यूल में रोजाना 55 फ्लाइट्स का संचालन होता है, लेकिन रोजाना 4 से 5 फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। सबसे ज्यादा फ्लाइट्स एयर एशिया एयरलाइन की रद्द होती है। एयर एशिया की कुल संचालित 7 फ्लाइट्स में से रोजाना 3 फ्लाइट रद्द होती हैं। एयर इंडिया से अलग होने के बाद अलायंस एयर की फ्लाइट्स का संचालन भी गड़बड़ाया हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट से 13 फ्लाइट्स हुई रद्द। जयपुर से रात 12:40 पर गोवा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट, सुबह 8:40 पर दिल्ली जाने वाली अलायंस एयर की फ्लाइट, सुबह 8:45 पर लखनऊ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट, सुबह 9 बजे इंदौर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट, सुबह 10:25 पर मुंबई जाने वाली एयर एशिया की फ्लाइट, दोपहर 12:25 पर जाने वाली एयर एशिया फ्लाइट, शाम 5:20 पर देहरादून जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट, शाम 5:45 पर हैदराबाद जाने वाली एयर एशिया की फ्लाइट, शाम 8:05 पर मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट, शाम 8:50 पर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट, रात 9:05 पर इंदौर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट, रात 9:10 पर दिल्ली जाने वाली अलायंस एयर की फ्लाइट, रात 11:50 पर दिल्ली जाने वाली एयर एशिया की फ्लाइट। बड़ी बात यह है कि अब देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो भी बैकफुट पर आ गई है। जयपुर एयरपोर्ट से रद्द होने वाली 13 फ्लाइट्स में से 7 फ्लाइट्स अकेले इंडिगो की रद्द हुई। इंडिगो की गोवा, लखनऊ और दिल्ली की फ्लाइट अक्सर रद्द हो रही है। इन शहरों के लिए ठप रही हवाई सेवा। गोवा, लखनऊ की एकमात्र फ्लाइट रद्द। इंदौर, देहरादून की 2 फ्लाइट रद्द। बहरहाल हवाई सेवाओं की बिगड़ी हुई स्थिति मई में सुधरने की उम्मीद नहीं है। जून में कुछ शहरों के लिए यात्री भार बढ़ने की संभावना है। वहीं एयरलाइंस कुछ नई फ्लाइट्स भी जयपुर एयरपोर्ट से शुरू करेगी। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।